नमस्कार, मैं अरुण जैन फ्रॉम स्वास्थ्य का कंसल्टिंग एंड कंपनी शांतिमाला गांधीनगर न्यू दिल्ली। आज का टॉपिक है न्यू रिलीज ऑन द जीएसटी पोर्टल एज ऑन 4th of January 2018। देर आर लॉट ऑफ चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द जीएसटी पोर्टल, जिसके रिगार्ड में जस्ट एक मेल आया है। तो मैं सोर्स बता देता हूँ आज के वीडियो का सोर्स है noreply@sampark.gov.in से। लगभग 2 घंटा पहले अपने पास में मेल आया है, सभी के पास में मेल आया होगा। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑन रजिस्ट्रेशन, सेकंड पॉइंट इज ऑन रिटर्न, थर्ड पॉइंट इज ऑन रिफंड, फोर्थ पॉइंट इज ऑन ऑफलाइन टूल। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया एक वर्ड फाइल में, ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको चेक कर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं पोर्टल लॉग इन करके उसको चेक भी करता हूँ इसकी वैलिडिटी, एंड इफ देर आर सर्टन रेफरेंस टू एक्ट और रूल्स विल चेक दैट ऑल्सो। पहला नंबर पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोलता है, फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाई न्यू टैक्स पेयर इज नाउ अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, सी रूल 20 ऑफ द जीएसटी रूल 2017। चलो सर हम चेक भी करते हैं। मैंने आपकी इसके लिए मैंने एक लॉग इन किया है ऑलरेडी। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद में सर्विस देन रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट ऑप्शन से एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्लियर। बट अब एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट फाइल कैंसिलेशन विद इन 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद इन 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या ये सही है? आइए सर हम एक बार रूल चेक करते हैं। इसके लिए हमें रूल 20 में जाना पड़ेगा। बेसिक रूल 20 क्या बोलते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन टू हुम ए रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड अंडर रूल 12 या रूल 17। रूल 12 और रूल 17 वाले लोगों को जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है उनको छोड़ के बाकी जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो रूल 12 क्या है और रूल 17 क्या है। रूल 12 है जिन्होंने TDS या TCS के लिए रजिस्ट्रेशन दिया है, और रूल 17 है असाइनमेंट ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सर्टेन स्पेशल एंटिटीज के लिए। इन दोनों को छोड़ के ऊपर क्या बोलता है, सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29 शैल इलेक्ट्रॉनिक फाइल एंड एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 16, और कितना टाइम के भीतर, 30 डेज के भीतर भीतर ये फाइल करना होगा। चलो सर अब हमें ये तो मालूम चल गया कि 30 डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट हमें जीएसटी REG 16 फाइल करना है, बट यहाँ पे एरर मैसेज क्यों आया। अब मैं आपको प्रोविजो पढ़ाता हूँ, रूल 20 का प्रोविजो क्या है। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person who has registered voluntarily before the expiry of a period of 1 year from the effective date of registration। मतलब जिस तारीख को मैंने apply किया था उस तारीख से 1 साल के भीतर भीतर मैं cancellation नहीं कर सकता। Provide कब, अगर मैंने voluntarily apply किया है registration तो, correct? तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली था, तो एरर मैसेज हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय द साइट, करेक्ट, क्लियर। तो ये पॉइंट करेक्ट है। अब मैं सेकंड पॉइंट में आता हूं, रिटर्न्स के रिगार्ड में काफी सारे पॉइंट्स हैं। आइए पहला नंबर पॉइंट है, टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू द गिव details of supply made to merchant exporter at a rate of 0.1% in all returns। एक बार चेक कर लेते हैं कोई भी एक रिटर्न में। डैशबोर्ड देन रिटर्न डैशबोर्ड, मैं एक बार GSTR1 में चेक कर लेता हूं। देन मैंने दिसंबर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा क्वार्टरली ऑप्शंस ऑप्ट किया हुआ है। देन मैंने GSTR1 पे क्लिक किया और उसकी भी टेबल नंबर 4 पे क्लिक किया। अब मैं जब यहाँ पे डिटेल डालूंगा, मैंने GST नंबर डाला, ऑटोमेटिकली रिसीवर का नाम आ गया। बट मेरा पॉइंट है क्या नीचे टेबल में 0.1% आ रहा है, आंसर इज येस, नाउ इट्स 0.1% इज रिफ्लेक्टिंग, सो इट्स क्लियर, ओके। नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट,
Taxpayers now provided with the table number 9 of the form GSTR1 to give the amendment detail of the invoices or debit or credit note of previous periods. ठीक है, मैं वापस अपने GST portal में आता हूँ and then GSTR1 देखता हूँ कि क्या वहाँ पे table 9 दी हुई है. ये सभी जानते हैं अच्छे से कि हाँ दी हुई है, but फिर भी एक बार recheck कर लेता हूँ. Yes, 9A is amended B2B invoices, 9A B2C large invoices and export invoices. Similarly, C credit and debit note के regard में है. Next one क्या बोलते हैं? GSTR1 filing date has been changed to 10th of Jan. All are known, so मैं ये point skip करता हूँ. ठीक है? उसके बाद में quarterly वाला option भी appoint. Quarterly वाला government ने start किया था कि अगर आपके turnover less than 1.5 crore है, then you can opt for the quarterly. और अगर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, तो आप monthly return option choose करना होगा आपको. ठीक है? देन इसके बाद में क्या आया था, ये भी पॉइंट आपको क्लियर था. नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटीआर 3 भी नील रिटर्न फाइलिंग. सो फार देर वॉज नो प्रोविजन टू फाइल द नील रिटर्न, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न. सो ऑल टैक्सपेयर वर्स ऑन ऑल टाइल्स अलॉन्ग विद द पेमेंट टाइल, बट इन न्यू इंप्लीमेंटेशन इन केस ऑफ द टैक्सपेयर सेलेक्ट ऑप्शन टू फाइल द नील रिटर्न. अगर आपका नील रिटर्न है तो स्टेट फ्रॉड आप नील करके सेलेक्ट करके आप फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग बेस्ड ऑन द क्वेश्चनियर वाज इंप्लीमेंटेड. हम सब जानते हैं कि क्वेश्चनियर आता है पहले, वहां पे 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा 3 भी अकॉर्डिंगली रीफ्रेम हो जाएगा, इररिलेवेंट टेबल वहां से रिमूव हो जाती है. इस पॉइंट को भी मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करता क्योंकि ऑलरेडी वी नो एवरीवन, वी नोज वेरी वेल. नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटीआर 4 एंड कंपोजिशन रिटर्न डैशबोर्ड. कंपोजिशन टैक्सपेयर हैव टू फाइल quarterly return and normal taxpayer have to file monthly return in the GST design. Correct? For the taxpayer who have opted into composition and the taxpayer who have opted out from the compositions, as a normal taxpayer, proviso to file both monthly or quarterly returns in the interim period has been enabled on the GST portal. मैं आपको लाइव इसलिए नहीं दिखा सकता कि मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जिसका मैंने कंपोजिशन को चेंज करके नॉर्मल या नॉर्मल को कंपोजिशन में कन्वर्ट किया है. सो बट हाँ, नाउ गवर्नमेंट सेइंग कि ऑप्शन हैज बीन इनेबल्ड. Correct. Then next, track return status. Track return status is now available post login to taxpayer on the GST portal to track the status of the submitted या file return. एक बार चेक कर लेते हैं. आप returns के option में जाएंगे. रिटर्न में आपका यह ट्रैक रिटर्न स्टेटस, ट्रैक रिटर्न स्टेटस में आपको यह बता देगा कि आपने ये आरएन है, ये आपका GSTR1 है, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड कौन सा है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, स्टेटस क्या है, फाइल वैलिड, कोई एरर है या कुछ है, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन. क्लियर? तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है. करेक्ट. नेक्स्ट, GSTR 5 के रिगार्ड में क्या बोलते हैं, creation and submission of the home GSTR 5 by NRI non-resident taxable person is now available for giving the details of ITC taken, amendment, supplement, etc. 5A kya hai, creation and submission of the GSTR 5A by online database, data access or retrieval services is now available. Correct. Hum sab jante hain ki interim period mein table 6 aaya tha. Ab ye government bolte hain ki table 6 of form GSTR 1 workaround has been disabled at GST portal due to the fact that form GSTR1 for the further period now can be filed by the taxpayer. Clear? अब एक बार देख लेते हैं कि वो disable हो चुका है नहीं हो चुका. जब भी मैं dashboard और return dashboard पे जाता था तो मेरे को month select करने के बाद में search पे क्लिक करने के बाद में नीचे टेबल 6A बताता था. अभी बता नहीं रहा क्योंकि GSTR1 ऑलरेडी एक्टिव हो चुका. सो वो रिफंड की फैसिलिटी फिलहाल GSTR1 के थ्रू थी तो उसको डिले ना हो, देन इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द इंटरिम पीरियड. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, एज अ लास्ट डेट फॉर फाइलिंग GST TR1 इज ओवर. हम सब जानते हैं 27 दिसंबर 2017 को GST TR1 की लास्ट डेट थी. सो अब देयरफॉर form has been disabled at GST portal. अब आपको वो दिखाई नहीं दे रहा. Clear? Issue coming to taxpayer while filing up of the amendment table in the offline tool of the GSTR1 has been fixed. Okay. Refund. Refund के related क्या बोलते हैं? Refund के regard बोलते हैं
Taxpayer has been provided with the facility on the GST portal to claim the refund of export of service with payment of tax, ITC, accumulated due to inverted tax structure under clause 2 of the first provision to section 54.3. Just now, मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 2-3 घंटा पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, so that you can clarify your doubt with respect to inverted tax structures. Then next point, on account of the supply made to SEZ unit, yeah, SEZ developer with payment of tax. Then point number D, without payment of tax. Next, recipient of the deemed export. अगर deemed export है, तो उसका recipient भी refund claim कर सकता है. Clear? ये सारी facility available हो चुकी है. एक बार मैं check कर लूँ online. Okay. मैंने सर्विस पे क्लिक किया, देन सर्विस के बाद में रिफंड, रिफंड के बाद में एप्लीकेशन फॉर रिफंड. सो आपको यहाँ पे टोटल 7 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक बार टाइप पढ़ लेते हैं क्या क्या टाइप के हैं. पहला है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. जो आप रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं उसके रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए. जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पास में ये क्रिएट बटन एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ द सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. नेक्स्ट रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ ITC एक्युमुलेटेड ड्यू टू इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर्स. मतलब मेरा जो इनपुट पे, जो माल इनपुट पे मैंने जो परचेस किया था वो हायर टैक्स ब्रैकेट में था और आउटपुट में लोअर टैक्स ब्रैकेट में था. इन दैट केस आई कैन क्लेम द रिफंड. रिसिपेंट ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ द सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर विद पेमेंट ऑफ टैक्स. ऊपर विदाउट था, यहाँ पे विद है. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स. सो क्लियर, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे रिफंड में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि प्री लॉग इन ट्रैकिंग ऑफ द रिफंड स्टेटस विद ARN इज अवेलेबल एट दिस लिंक. एक बार आप लिंक चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा. एक बार हम चेक कर लेते हैं लिंक. गवर्नमेंट का कहना है आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. तो एक बार मैं लॉग आउट करता हूं यहां से. अब मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूं. यस, विदाउट लॉग इन इवन आई कैन चेक या आई कैन ट्रैक माय एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ द रिफंड. तो AR-12FD01 या कोई भी जनरेट होता है RFD फॉर्म, रिलेवेंट फॉर्म जनरेट होता है, तो आपका ARN नंबर आएगा. वो ARN नंबर यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक द स्टेटस. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऑफलाइन टूल फॉर फॉर्म GST ट्रांसफर. एंड ऑफलाइन टूल टू फिल एंड अपलोड डेटा फॉर द ट्रान 2 इज नाउ अवेलेबल टू द टैक्सपेयर ऑन द GST पोर्टल. ट्रान 2 इज ए स्टेटमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ नाउ रजिस्टर्ड इन GST टू अवेल द क्रेडिट ऑन द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अपॉइंटेड डे इन रेस्पेक्ट ऑफ विच दे आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी. इसके रिगार्ड में कहाँ लिखा हुआ है, रूल 117 सब रूल 4 में लिखा हुआ है. तो मैंने आपको सारी बातें बता दी विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द न्यू फैसिलिटी ऑफ द GST पोर्टल, जो हमें सभी के पास में मेल भी आया होगा. आई होप इट्स क्लियर. एंड जस्ट आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं GST सर्टिफिकेशन जो कोर्स करवा रहा हूँ, फेस टू फेस तो करवाते हूँ मैं बैच दिल्ली में, बट नाउ आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेज एज वेल. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना GMAIL ID मेरे को शेयर करें एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट मैं आपको 1-to-1 डेमो क्लास दूंगा एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.